Hey guys, this is me, your host, your dost Prerna Sharma, and welcome to my channel. So guys, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी डेजर्ट रेसिपी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी. सो गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी सा मिल्क शेक. और जो मिल्क शेक हम बना रहे हैं उसमें हम जो फ्रूट हम यूज़ कर रहे हैं वो है कीवी. सो यहाँ पे मैंने दो कीवी ली हैं, वन ग्लास ऑफ मिल्क लिया है, थोड़ा सा हनी लिया है, एक वनीला आइसक्रीम ली है एंड ब्राउन शुगर ली है. अगर आप चाहें तो ब्राउन शुगर की जगह पे वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने कहा मैं एक हेल्दी मिल्क शेक बना रही हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने हनी और ब्राउन शुगर का यूज़ किया है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक जार और उस जार में हम डाल देंगे कीवी जो कि हमने अच्छे से वॉश करके उनको चॉप कर लिया है. उसका छिलका हमें निकाल देना है और रफली चॉप कर लेना है. अब यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ ब्राउन शुगर. तो मैंने यहाँ पे ली है करीबन 2 टेबलस्पून ऑफ ब्राउन शुगर. अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क. तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास ऑफ मिल्क लिया है, चिल मिल्क मैंने लिया है. फ्रिज का दूध हमें यूज़ करना है क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मिल्क शेक और मिल्क शेक जितना ठंडा होगा उतना ही हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा रिफ्रेशिंग सा फील होता है. और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हनी. सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून हनी. और गाइस, आप सभी को पता है हनी जो होता है, शहद जो होता है, वो कितना बोलते हैं ना बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए. सो जितना हो सके हम अगर नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों का हम यूज़ करेंगे, इंक्लूड करेंगे हम हमारी डाइट में, उतना ही हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल पाएगा. और अब इसमें हमें ऐड करना है आइसक्रीम. सो यहाँ पे मैंने लिया है वनीला आइसक्रीम. आप चाहें तो कोई भी आइसक्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक ये हम बना रहे हैं कीवी जो कि होती है ग्रीन कलर में. तो आप चाहें तो इसमें पिस्ता आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें गुआवा आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें चॉकलेट आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ मेरे पास वनीला आइसक्रीम ही थी इसलिए मैं इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने यूज़ की है यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून. साथ ही में मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं आलमंड एंड कैशूनट्स जो कि मैंने लिए हैं. काउंटिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 5 से 6 मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं और 5 से 6 ही मैंने यहाँ पे काजू के टुकड़े लिए हैं. अब यहाँ पे थोड़े से आइस क्यूब मैं इसमें डाल रही हूँ. दिस इज़ टोटली ऑप्शनल गाइस, अगर आपको डालना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो. और हमारा मिल्कशेक अब ऑलमोस्ट रेडी है. इसे हमें जस्ट 30 to 40 seconds के लिए ग्राइंड करना है एंड वी आर गुड टू गो. सो गाइज, यहाँ पे हमारा मिल्कशेक जो है बनके अच्छे से रेडी हो गया है और उसको मैं इस मिल्क वाले ग्लास जो था उसी के अंदर सर्व कर लूँगी. नीचे मैंने थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून हनी उसमें डाला है जस्ट फॉर गार्निशिंग पर्पज़ और थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आ जाएगा. यहाँ पे ग्लास को मैंने पूरा ओवरफ्लो यानी ऊपर तक नहीं भरा है, थोड़ा सा जगह छोड़ा है क्योंकि इसमें अभी हम ऐड करने वाले हैं थोड़ी सी और आइसक्रीम. सो हाफ स्कूप ले लीजिए या 1/2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली है और थोड़ा सा एज अ गार्निशिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पिस्ताचू और काजू बादाम का जो भी फाइनली चॉप करके एक बुरादा सा जो हम बना लेते हैं वो मैंने थोड़ा सा एज अ डेकोरेशन इसमें यूज़ किया है. और अब एक कीवी को मैंने उसको छील के अच्छा सा राउंड शेप में कट किया है, उसको बीच में से थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा कट दिया है और उसको एज अ गार्निशिंग मैंने हमारे जो ग्लास है उसके ऊपर डेकोरेट किया है. अब साथ ही में थोड़ा सा और इसका कलर इन्हेंस करने के लिए हम थोड़े से कीवी को बारीक चॉप कर लेंगे. कीवी के जो फ्रूट है कीवी का उसको फाइनली चॉप करके थोड़े से टुकड़े हम इसमें अलग से ऐड कर देंगे. थोड़ा सा क्रीम मैंने यहाँ पे जस्ट ड्रिजल किया है थोड़ा सा. सो गाइज, यहाँ पे हमारा मिल्क शेक बिल्कुल रेडी है, बट थोड़ा सा और इसका कलर एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पे ड्राई रोज पेटल यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास ड्राई रोज पेटल अवेलेबल नहीं है तो आप टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें पोमोग्रेनेट के थोड़े से पीसेस, थोड़े से दाने इसका कलर डाल के इसको थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकते हैं क्योंकि ग्रीन इसमें आ गया है, वाइट इसमें आ गया. अगर रेड थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे कलर तो बहुत ही दिखने में बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा और उतना ही हमारा ऐसा खाने का और बोल सकते हैं इसको पीने का मन करेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ हेल्दी रेसिपी. आई होप आप सभी को पसंद आई होगी. सो गाइज, अगर आपको पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस प्यारी से यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन पाएँ. सो एंड
वन मोर थिंग गाइज, मैं आपसे बार 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 बोलती हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, चाहे आपके जो भी आपके थाट्स हैं मेरे वीडियोज़ को लेके, चाहे वो आप पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, जो भी हों, बट प्लीज़ आप शेयर कीजिए। सो बस ये था मेरा आज का हेल्दी सा वीडियो, मिलती हूँ आपको मेरे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।